चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई के फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में, जो कि लास्ट मेरिट लिस्ट है। आप सभी को पता है कि चौथी मेरिट लिस्ट के लिए कुछ फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट जारी किए गए थे, जो कि नए फॉर्म भरे जाने थे। तो इन सब का मिला के जो आने वाला है मेरिट लिस्ट, वह कब आएगा, चौथी मेरिट लिस्ट आप कहाँ पर देख पाएंगे, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं छात्रों के कि रैंक कार्ड कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो इसी पे हम बात करेंगे। तो आपका कोई डाउट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कर लेंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लो। यह चैनल एक आईटीआई के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी, सभी जानकारी सही रूप से और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। तो लिंक का था साथियों, अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो डेट दी गई थी वो कब तक की दी गई थी, वो दी गई थी 8 तक। तो 8 तक दी गई थी, लेकिन अब क्या किया है, अब इन्होंने सबमिशन बंद कर दिया, मतलब नए फॉर्म ऑनलाइन करने बंद कर दिए 8 से ही। तो 9 तारीख आज है, तो कब तक आ जाएंगे मेरिट लिस्ट, इसके बारे में हम बताते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला, फॉर्म प्रिंट आउट नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम थी साथियों। तो जिन छात्रों ने फीस पेमेंट कर दिया, पोर्टल पर सक्सेस हो गया, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं भी नंबर नहीं है, फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो जब मेरिट लिस्ट लगेगी साथियों, तो आपने जो कॉलेज भर रखा है आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जो आईटीआई की सबसे बड़ी कॉलेज होती है। जैसे एक ज़िले में 4 आईटीआई है, तो उस 4 आईटीआई में जो सरकारी आईटीआई होगी सबसे बड़ी, तो उस आईटीआई में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर स्लिप लगी होगी कि आपका नाम किस आईटीआई में आया है। आप सरकारी जो नोडल आईटीआई है, उस नोडल आईटीआई में जाएंगे और वहां से देख पाएंगे किस आईटीआई में नाम आया है, फिर आप जाकर वहां पे जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो और साथियों, आपको बता दें, आप सबके तैयारी के लिए मेरा एक ऐप है MPN ऑनलाइन स्टडी के नाम से, वहां पे आप सभी को बुक, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, क्लासेस, सभी चीज़ जो है अभी फ्री में है। तो आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाके डायरेक्ट सर्च करिए MPN ऑनलाइन स्टडी, तब भी आपको मिल जाएगा। और जहां तक बात रही साथियों आप सभी की मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट फॉर्म ऑनलाइन के 7 दिन बाद, मतलब सब मिला के आप मान के चलिए 14 तारीख या 15 तारीख को आप सभी की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जो भी छात्र डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे छात्र अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जो नए छात्र हैं और भी जो पुराने छात्र हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि आजाद निवास अपने बना लें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए। तो कोई भी डाउट के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।